बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज मैं बनाने जा रही हूँ फैमिली फेमस बिरयानी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घी डालेंगे। घी जो हमने डाल दिया है, हम इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि चावलों में से ऑयल की स्मेल आती है, इसलिए हम यूज़ करेंगे घी। आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास प्याज है और ये टमाटर है, हरी मिर्चें हैं। पहले हम प्याज डाल देंगे। प्याज डालकर हम इसको ब्राउन करेंगे। घी जो हम थोड़ा सा लिया और प्याज हमने एक दरमियानी सी ली है। आधा किलो चावल है और चिकन आधा किलो। मसलसल चमचा चलाते रहें क्योंकि साइडों से ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं। जब ये सुनहरे हो जाएं तब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें दोनों ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। हम यूज़ नहीं कर रहे, अदरक लहसुन का पाउडर भी मिलता है, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर, क्योंकि प्याज ब्राउन हो गया, हम इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करिएगा। नाजी ये हमारे पास ऑल पर्पज मसाले हैं, ये सारा थोड़ा सा डालना है। नमक है, नमक हमने पानी में भी डालना है जब हम चावल को उबालेंगे। अभी हम हंडी में भी डाल रहे हैं, बिरयानी मसाले में भी नमक होता है इसलिए हम ज़रा कम डालेंगे। लाल मिर्ची, क्योंकि हमने घी मिर्ची डाली है इसलिए हमारे पास लाल मिर्ची भी है, हमने थोड़ी डालनी है। डाल देते हैं। जो नमक है वो टमाटर को बहुत जल्दी गला देता है, इसलिए आप सार डाल देंगे टमाटर से अच्छी तरह गल जाए। अगर आप छील के डालेंगे टमाटर को तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से घुल जाएगा। टमाटर को आप चाहें तो चिकन के साथ भी पका सकते हैं या भून सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह धो के हमने रख लिया है, अब इसके अंदर डाल लें। पहले ही हम अपना चिकन डाल देते हैं। नाजरीन जो हमारा मसाला है वो अच्छा होगा तो ही हमारी हांडी मज़ेदार बनेगी। नमक मिर्चें ज़रा अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। आज हम ज़रा स्पाइसी बना रहे हैं। नाजरीन अच्छे तरीके से आपने इसकी बनाई करनी है। अब हमने पहले चिकन टमाटर को अच्छी तरह नहीं गलाया था, चिकन के साथ हम इसको अच्छी तरह गला लेंगे टमाटरों को भी। नाजरीन अगर आपका बिरयानी खट्टी खट्टी पसंद है तो आप 2 से 3 टमाटर डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, विनेगर डाल सकते हैं। चिकन को ज़्यादा देर नहीं लगती पकने में इसलिए जल्दी भुन जाता है क्योंकि इसमें पानी कम होता है। चिकन को हल्की आंच पर थोड़ी देर पकने दें ताकि अंदर तक गल जाए, और हल्की आंच पर बनाएं ताकि अंदर से पक जाए। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर बनाएंगे तो बाहर से तो पक जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, रेड हो जाएगा, मगर अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसमें हमने थोड़ा सा पानी बनाया क्योंकि हमारे पास मसाला बहुत कम था, थोड़ा सा पानी डाला है हमने। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे। अब हम इसमें बिरयानी मसाले को ऐड कर देंगे। ये जी हमारा बिरयानी मसाला, इसमें आलू बुखारा भी है, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करते साथ ही बिरयानी की शक्ल जो है वो टोटली चेंज हो जाती है। आप देख सकते हैं कलर इसका फौरी तौर पर चेंज हो गया है, मसाला इसका रेड रेड सा हो गया है। बोटियाँ भी तकरीबन गल चुकी हैं। ये देखें नाजरीन, हमारा मसाला जो ये टोटली तैयार हो गया है। चिकन भी तकरीबन गल गया है। चिकन को हम खड़ा खड़ा बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसको अच्छी तरह गलाएंगे। देखें मसाले का कलर कितना प्यारा हो गया है। इसको हल्के आंच पर पकने देंगे। ये जी हमारे चावल ये हमने 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखे हैं। जब ये साइड पक जाएगी तो हम दूसरी तरफ हमारा चावलों को उबालने के लिए पानी रख देंगे। देखिए नाजरीन, अब इसको रख देते हैं एक तरफ ढक के, दूसरी तरफ हम अपने चावल बनाते हैं। ये नाजरीन हमने पानी रख दिया है, पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आप जितना चाहे खुला पानी रख सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं रखिएगा, जितने चावल आपके पास उसी हिसाब से रखिएगा। इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और थोड़ा सा नमक। ये देखें घी डाल दिया है,
फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देंगे। चावलों में जायका आ जाता है नमक, क्योंकि हमने इसको भून लेना पानी को, तो नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बिरयानी मसाले में भी नमक था, हमने हांडी में भी नमक डाला है और इसमें भी नमक डाल दिया, तो नमक की जो मेजरमेंट है ज़रा ध्यान से करिएगा कि आपको लगे कि पूरा हो जाएगा हमारी हांडी में नमक। उबाल आने तक इसको हम उबालेंगे, जब तक उबाला ना आ जाए तब तक इंतज़ार करते हैं। राजी हमारा जो घी है वो मेल्ट हो गया, पानी जो हमारा बॉयल होने लग गया है, अब हम इसके अंदर अपने हरे चावल जो 15 से 20 मिनट तक पहले भिगो के रखे थे उसके अंदर डाल देते हैं। जो चिकन है वो हमने बाहर निकाल लिया इस बर्तन में, क्योंकि हमने दूसरे बर्तन में तह लगानी है। चावलों के अंदर ऐड कर दिया है, अब इसके दो कनी आने तक इसको अच्छी तरह उबलने देंगे। हमारे चावलों का पानी उबलने लग गया है। नाजीन हमारे चावल जो है वो बॉइल्ड हो गए हैं, आपको दिखाती हूं। ये देखे नाजरीन, ये आसानी से टूट जाता है। अब इसके पिच निकाल लेते हैं, पिच हमने निकाल ली है, अब हम इसकी तह लगा देते हैं। चावल हैं जी, पहले नीचे वाली तह चावलों की लगा ली, अब हम इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। फैला लेंगे थोड़ा सा, अब हम इसके ऊपर एक चावलों की और तह लगा देते हैं जो हमारे बचे पड़े हैं, लगा दिए। यहाँ पे हमारे पास है जी ज़रदा रंग, हमने घो लिया है अच्छे तरीके से, अब इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आई थिंक सो ज़्यादा बन गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको ढक देते हैं। और अब दम पे है जी हमारा, फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही कम कर लिया है, दम पे कर लिया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद दम खोलेंगे और देखेंगे हमारे चावलों की कंडीशन। दम हटा देंगे नाजरीन, देखें इसको अच्छे से हिलाएंगे, ज़बरदस्त नाजरीन, बहुत ही लज़ेदार बने हैं, देखने में ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखें नाजरीन हमारी ज़बरदस्त बिरयानी, स्पाइसी बिरयानी है, फैमिली फेमस बिरयानी नाजरीन, बहुत ही मज़ेदार है, खा के देखें आप भी, हमें बताएं आपको पसंद आती है, कमेंट सेक्शन में बताएं हमें, हम आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ हमारे चैनल पे सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू।